और चलिए छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तीसरे राउंड में भी बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 5 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। और बुरहानपुर की अगर बात की जाए तो वहां से बीजेपी की प्रत्याशी अर्चना चिटनिस तकरीबन 3,000 वोटों से आगे चल रही है। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरे राउंड में भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी 5 सीट पर आगे चल रही है, तो 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और छतरपुर से बीजेपी की ललिता यादव तकरीबन 2,034 वोटों से आगे चल रही है, ये बढ़त बनाए हुए हैं तीसरे राउंड में। चांदला से अगर बात की जाए तो चांदला से बीजेपी के दिलीप अहिरबार 2,714 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजनगर से बीजेपी के अरविंद पटेरिया 3,846 वोटों से आगे चल रहे हैं राजनगर से। और बड़ाहा मलेरा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की रामसिया भारती तकरीबन 1,417 वोटों से आगे चल रही है। महाराजपुर सीट से बीजेपी के कामाख्या प्रताप सिंह 5,554 वोटों से आगे हैं। बिजापुर सीट से बीजेपी के राजेश शुक्ला 3,970 वोटों से आगे चल रहे हैं। अनूपपुर में तीनों सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, एक साथ अनूपपुर में कांग्रेस क्लीन स्वीप दिखाती दे रही है। और बता दें कि बीजेपी से पुष्पराजगढ़ हीरा सिंह स्वयं आगे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए बुरहानपुर की तो बुरहानपुर सीट से अर्चना चिटनिस आगे चल रही है। चौथा राउंड का अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस 21,360 वोटों से आगे चल रही है और कांग्रेस के ठाकुर सुरेंद्र सिंह सिरा 17,466 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल बता दें कि 3,894 वोटों से अर्चना चिटनिस आगे चल रही है। और सिरोंज की बात की जाए तो उमाकांत शर्मा आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। तो बड़ी खबर आपको बता दें छतरपुर से, जहां पर तीसरे राउंड में भी बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और 5 सीट पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, तीसरे राउंड की ये गिनती है। और छतरपुर से बीजेपी की ललिता यादव 2,034 वोटों से आगे चल रही है। बात की जाए चंदला की तो चंदला से बीजेपी के दिलीप अहिरबार 2,714 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जीत की आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि राजनगर से बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया 3,846 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा मलेरा से कांग्रेस की रामसिया भारती 1,417 वोटों से आगे चल रही हैं। और महाराजपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह 5,554 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिजापुर सीट से बीजेपी राजेश शुक्ला 3,970 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगर बात की जाए अनूपपुर की तो अनूपपुर में तीनों सीटों पर बीजेपी एक साथ बढ़त बनाए हुए हैं। और भाजपा से पुष्पराजगढ़ से हीरा सिंह श्याम आगे चल रहे हैं। और बुरहानपुर की अगर बात की जाए तो बुरहानपुर विधानसभा से चौथा राउंड का अपडेट हम आपको बता दें, जहां पर अर्चना चिटनिस बीजेपी प्रत्याशी 21,360 वोट अभी तक उनको मिल चुके हैं, 3,000 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के ठाकुर सुरेंद्र सिंह सीरा को 17,466 वोट अभी तक मिल चुके हैं और वो 3,894 वोटों से पीछे चल रहे हैं अर्चना चिटनिस 3,894 वोटों से आगे चल रही है। सिरोंज से उमाकांत शर्मा आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी है उमाकांत शर्मा और लंबे समय से वो सिरोंज से विधायक हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें छतरपुर से, जहां पर तीसरे राउंड में भी बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी 5 पर और कांग्रेस 1 सीट पर आ गई।